नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब पुलिस सिखलाई केंद्र लड्डा कोठी संगरूर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके 217 जेल वार्डन हुए पास आउट। अमृतसर के लोहरका रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर दो नौजवानों ने एक सैलून मालिक पर चलाई गोलियां, सैलून मालिक ने भागकर बचाई जान। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस सिखलाई केंद्र लड्डा कोठी संगरूर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके 217 जेल वार्डन का बैच नंबर 55 पास आउट किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद जेल में तैनात किए गए जेल वार्डनों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी इस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और तनदेही से निभाएं। तो वहीं आज के पास आउट में श्री गोविंद बाल साहिब के 31 केंद्रीय जेल, गुरदासपुर के 13 केंद्रीय जेल, श्री अमृतसर साहिब के 19 केंद्रीय जेल, होशियारपुर के 9 केंद्रीय जेल, कपूरथला के 28 सब जेल, पठानकोट के 2 सब जेल, पट्टी के 4 केंद्रीय जेल, पटियाला के 21 केंद्रीय जेल, लुधियाना के 20 केंद्रीय जेल, नाभा के 4 जिला जेल, रोपड़ के 12 जिला जेल, संगरूर के 25 सब जेल, मलेरकोटला के 2 और बरनाला के 2 जेल वार्डनों ने भाग लिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 217 वार्डना वालों मुढ़ली सिखलाई पूरी करके पासिंग आउट परेड दे विच हिस्सा लिया। बड़े माण वाली गल है, अज बहुत सारे जवानों के मापे, उन्हां दे परिवार के मैंबर, उन्हां दे बच्चे अज उन्हां नूं इस दिन ते परफॉर्म करते देख के और एक सुरता आपस दे विच एक सार चलन दी, परेड का मतलब है एक सार चलना, वो अज परेड देख के उन्होंने मापिया नूं, उन्होंने घरदियां नूं, उन्होंने परिवारां नूं बहुत खुशी हुई होनी। और साडे लई माण दी गल इह है, खुशी दी गल इह है कि उही जवान ने जिहड़े दिन रात साडे सुरक्षा दे लई तैयार रहिंदे ने, जिहड़े मर्जी डिपार्टमेंट दे विच इन्हां दी ड्यूटी लग जाए, ये अद्धे पौने घंटे दे विच अपना चार्ज संभाल लैंदे ने। जिस वेले असीं अपने परिवारां नाल गर्मियां दे विच एसी ला के सुत्ते पए हुंदे आ रात नूं, तां उस वेले ये जवान सड़कां ते ड्यूटी कर रहे होंदे ने, ताकि साडी नींद नूं कोई डिस्टर्ब ना करे। जिस वेले असीं सर्दियां च हीटर ला के अपने परिवारां दे नाल अपने घरां च सुत्ते पए हुंदे आ, उस वेले ये कड़ाके दी ठंड दे विच, धुंद दे विच, थाणियां च नाकियां ते सड़कां ते मोड़ां ते ड्यूटियां कर रहे होंदे ने, छापे मार रहे होंदे ने, अपराधियों का पिछा कर रहे होंदे ने, ताकि साडी नींद डिस्टर्ब ना हो। सो ये बहुत माण वाली गल है, इस ड्यूटी की किसी करंसी च कोई कीमत नहीं मापी जा सकती कि इन्हां नूं किन्ने पैसे देईए इस ड्यूटी नूं करन दे, क्योंकि बहुत सारे जवान जिहड़े ने साडे ड्यूटी दौरान शहीद भी हो जाते हैं, कोई कीमत नहीं मापी जा सकती इस गल की। सो मैं DGP साहब नूं इस गल लई बधाई देऊंगा और अरुण पाल जी जिहड़े जेलां दा काम देखते ने उन्हां नूं बधाई देऊंगा, उन्हां दी सारी टीम नूं बधाई देऊंगा कि डिसिपलिन दे विच जदों फौजां होण, जदों सुरक्षा बल डिसिपलिन दे विच होण, तां दुनिया दे विच कोई भी मंजिल इहो जिही नहीं हैगी जिहड़ी सर ना कीती जा सके। तो ड्यूटी करने वेले कोई दिक्कत ना आवे,
और थानू परिवारां च अपने परिवारां च भी खुशी गमी दे मौकियां च शामिल होने का भी मौका मिले। कुछ मंगा ने जिमें सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक बनाना है, 4.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है ऐसे ट्रैक नूं बनाउण मैडम आही ट्रैक इसे ट्रैक नूं सिंथेटिक ट्रैक बनाउणा है। अगले साल जो परेड होगी तुसीं सिंथेटिक ते तुर रहे होंगे, सिंथेटिक ट्रैक बनावांगे। ते होस्टल ते 500 जिहड़े ट्रेनीज ने उन्हां लई रिहायश दा इत्थे प्रबंध करना है। होस्टल ते जिहड़े अपार्टमेंट ने वो थोड़े पुराने हो चुके ने, सो होस्टल वास्ते 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैं तो कहना घट की है, तुसीं ते होस्टल वधिया बनाओ, खुला कमरा होण, खुला उत्थे वधिया शानदार बाथरूम होण, सो होस्टल वास्ते 3 करोड़ रुपया वह भी मंजूर किया जाता है। वध हो गया बजट तां भी मंजूर कर लेंगे, कोई गल नहीं। फायरिंग रेंज वास्ते 25 लाख रुपया वह भी बिल्कुल जायज है। अमृतसर के लोहरका रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर एक सैलून मालिक पर 2 नौजवानों ने गोलियां चला दी। इस दौरान सैलून मालिक ने भागकर अपनी जान बचाई और इस घटना संबंधी पुलिस को सूचित किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सैलून मालिक सुखदीप सिंह ने कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 नौजवानों ने उस पर गोलियां चलाई हैं और उसने भागकर अपनी जान बचाई है, इसलिए वह पुलिस से मांग कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं पुलिस अधिकारी रमनदीप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, सानू कंट्रोल रूम तो इनफॉर्मेशन आई सी, ते साड़ी तफ्तीशी अफसर ते मैं मौके ते पहुंचा सी, उत्थे जाके असी देखिया भी असी सुखदीप सिंह सुखे ते गोलियां चलाई गई ने, 2 गोलियां चलाइया, ते वो असी बंदे वेरीफाई कर रहे हैं, अगे तफ्तीशी आ रही है जी। वो सलून का काम करता जी सुखदीप सुखा, इन्हां दी कोई पुरानी रंजिश भी की वो वेरीफाई कर रहे हैं जी असी। मेरा नाम सुखदीप सिंह, लवारगढ़ गमटाला कलोनी का रहने वाला, मैं मेरा है भाई सलून। मेरी कोई पहले लाकडाट ही अजो 4 साल पहले विक्की अंडा का ना आ, माड़ा मोटा झगड़ा आया, राजीनामा हो गया सी। ते आज की गल बात हुई? आज उन्हें भाई मैं फायरिंग की, 2 फायर मारे है, ठीक है। मैं आप मोटरसाइकिल छुट के भज गया अपने। केड़े मोटरसाइकिल ते मैं बुलट ही भाई, मेरे तो किन्ने जने गोलियां चलाए? दो जने सी सर। वो केड़ी गड्डी ते? वो बाइक ते ही। अमृतसर के छहरट्टा इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने एक जोड़े पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि दोनों बच गए और उन्हें मामूली चोटें ही आई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका ही रिश्तेदार है, जिसके साथ इनका काफी पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। सुबह जब वे अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जा रहा था तो रास्ते में इसके चाचे के लड़के ने अपने साथी के साथ मिलकर इन पर गोली चला दी और फरार हो गए। वे घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जो मामले की जाँच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं अपनी वाइफ नूं रोज़ पार्वती हॉस्पिटल छड्ड जाना, मेरे वाइफ उत्थे जॉब करदे ने। ते दूसरा कि मैं पहला भी इस चीज़ के बारे डरदा सीगा, मेरे ते इन्हां ने कोई ना कोई मैनूं मारन दी ते कभी कुछ करन दी मेरे ते धमकियां दिंदे रहिंदे आ। ते हुण इन्हां ने अज मेरे ते गोली चलाती है कि मैं सवेरे जदों अपनी वाइफ नूं छड्डन जा रहा सीगा पार्वती हॉस्पिटल, इन्हां ने संधू कलोनी लागे पिछों आया मोटरसाइकिल ते इन्हें मेरे ते गोली चलाती है। राहुल मेरे चाचे का बेटा राहुल है ना, उन्हें चलाई है गोली। वो 2 जने सीगे, एक मुंडा अगे से उन्हें रुमाल बन्नया सी मुँह नूं ते दोनों मोने सीगे। हाँ जी, कारण मैनूं धमकांदे ने, मेरे घर दे विच लड़ाई मेरे नाल प्रॉपर्टी तो लैके मेरे नाल झगड़ा करते हैं कि सानू प्रॉपर्टी सानू दिती जाए, इदा कहते तैनू कुछ ना कुछ कर देंगे, तैनू मार देंगे, तैनू ये कर देंगे, इस तरह मैनू कर करके धमकांदे रहे हैं। तो मैं इस खिलाफ़ दरखास्तां भी दिंदा रहा। इको फायर होया, इको फायर सिर च मार लग मार मेरे सीधी गोली चलाई है तो लगी मेरे फेस से, साइड से।
नहीं लाइसेंस नहीं है दूसरा। हाँ जी दो नंबर का जरा होंगे जी जानू जानू मारना ही जानू मारने वाला काम ही जानू मार देना ही। नहीं मेरा नाम किरण है, सवेरे ड्यूटी पर जा रहे थे, मैं पार्वती देवी हॉस्पिटल काम करती हूँ तो अचानक ही साढ़े तो गोली चल गई है, मैं और मेरे हसबेंड से गोली साढ़े बिचों निकल गई, बस छरिया ना थोड़ा हो गया, पर अगर थोड़ा नहीं होंगे तो साढ़े सिर पर लगनी सी गोली। मेरे चाचे सोहरे का बेटा राहुल है। हाँ जी प्रॉपर्टी का झगड़ा है जी, घर का घर के झगड़ा है। हाँ जी कंप्लेन की हुई सर, मौके पर आ गई सी पुलिस, पुलिस वाले ही सानू इतने पहुँचा के गए हैं। सानू 112 नंबर से कॉल आई ईवी ईआरवी व्हीकल से, साड़ी टीम है उत्थे, अं ड्यूटी प्रेजेंट ही, सानू कॉल आई कि इतने गोली चली, अं 5 मिनट उत्थे पहुँच गए। एक वाकया होया ओसीएम मिल के सामने संधु डेरी आ, नहीं मामला नहीं अभी तुरंत इन्हों पहला अपनी गड्डी बिठा के सिविल हॉस्पिटल लै आता, एस एच ओ साहब भी उत्थे मौके पर आ गए ही, वो अगलेरी कार्रवाई कर रहे हैं। जाली एससी प्रमाण पत्र बनाकर पंजाब के शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल कर 34 वर्ष से अधिक समय तक नौकरी का आनंद लेने के एक मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर 15 दिनों में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार ने नौकरी पाने के लिए झूठा एससी सर्टिफिकेट बनवाने वाले सरबजीत सिंह के बारे में एनसीएससी को खबरों के माध्यम से सूचना मिली है। खबरों के मुताबिक सरबजीत सिंह प्रसिद्ध पंजाबी गायक अमृत मान के पिता हैं। मिली जानकारी के अनुसार फरीदकोट जिले के तहसील कोटकपुरा इलाके के गांव खारा के निवासी सरबजीत सिंह ने वर्ष 1999 में एक गणित शिक्षक की अनुसूचित जाति की आरक्षित नौकरी पाने के लिए एक नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, जिसको राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इस दौरान पंजाब के स्कूलों में 252 शिक्षण पद में से 25% सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। पंजाब के एक सेवानिवृत्त अधिकारी अवतार सिंह सोहता ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक शिकायत सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरबजीत सिंह ने झूठे एससी प्रमाण पत्र का प्रयोग करके 34 साल से अधिक समय तक नौकरी की है। आयोग ने पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव स्कूली शिक्षा विभाग और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को मामले की जांच करने और मामले पर की गई कार्रवाई के तथ्यों के आधार पर 21 जून तक एक्शन टेकन रिपोर्ट डॉक या ईमेल के माध्यम से जमा करने को कहा है। वहीं विजय सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो मीडिया दे विच ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच बहुत सारा एक खबर चल रही है कि जिहड़ा जिन्हां दा तुसीं नाम लै रहे कि अमृत मान जी दे उन्हां दे पिता जी सरबजीत सिंह जिहड़े उन्होंने सिक्ख्या विभाग दे विच नौकरी की है 34 साल और उन्होंने जिहड़ी नौकरी की है वह गलत सर्टिफिकेट बना के अनुसूचित जाति दा उहदे ते की है और ऐसा जिहड़ा चल रही है और जबकि वह अनुसूचित जाति दे नाल संबंधित नहीं है ऐसा जिहड़ी सानू अगे मिलिया और उहदे लई असीं एक नोटिस जारी किया है कि उहदी हकीकत की है। इहदे लई असीं सिक्ख्या विभाग दे सैक्रेटरी और सैक्रेटरी समाजिक न्याय ते अधिकारता दे विभागां नूं असीं दोनों सैकटरियां नूं भेजिया कि सानू 15 दिनां च दस्या जावे कि हकीकत की है कि आया उहदा गलत प्रमाण पत्र ते नौकरी कीती है कि नहीं और उहदे जवाब तो आउण तो बाद ही असीं अगली कार्रवाई की है उहदे ते दस पावांगे। वह जिथे सी जिहड़ा कि मैं पहला भी दस्या सी कि भी वह कटारू चकने दे मामले दे विच जिहड़ा उन्हां दे उन्हां ते आरोप लगाउण वाला व्यक्ति वह आया सीगा और उहने इह कहा कि भी मैं पंजाब नहीं जा सकदा क्योंकि उहनूं शंका आ कि मैं अगर पंजाब गया तो मैनूं मेरे ते कोई गलत परचा भी दर्ज कर सकता। इत्थों तक कि उहने कहा कि मेरी जान नूं भी खतरा है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले नव निर्वाचित प्रधान विजय खुल्लर अपनी टीम सहित दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर चुनावों में उनकी शानदार जीत के लिए सहयोग देने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने नव नियुक्त प्रधान विजय खुल्लर का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान प्रधान विजय खुल्लर ने कहा कि नव निर्वाचित कमेटी द्वारा सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंपेनिंग के दौरान जब पूरी टीम मेंबर्स के घरों में पहुंची तो अधिकतर लोगों ने हॉल के चार्ज बढ़ाए जाने का विरोध किया। वही उन्होंने कहा कि कमेटी सबसे पहले इसी को लेकर विचार करेगी और हॉल के रेट कम करने पर विचार किया जाएगा, ताकि दुख की घड़ी में कमेटी परिवार के साथ खड़ी हो। उन्होंने कहा कि पूरी टीम हाई कोर्ट की ओर से गठित कमेटी व मंदिर कमेटी के तमाम मेंबर्स के भी आभारी हैं, जिन्होंने शांतमयी ढंग से चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया। इस अवसर पर वाइस प्रेसिडेंट एमएल चोडा, सेक्रेटरी संदीप शुक्ला व ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। ए माई मेरी सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदाई। ये सारी जित जिहड़ी आ अज गीता मंदिर प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा इलैक्शन पिछले 17-18 सालों तो बाद अज हाई कोर्ट की एग्जैक्टिव जी कमेटी जज साहब ने बनाई, तीन मैंबरी कमेटी, तीनों अपने सीनियर वकील एडवोकेट भेजे, उन्होंने की देखरेख सारी अपना इलैक्शन होया तो बड़े उन्होंने अच्छे ढंग के नाल जी स्कूटनी करके अज इलैक्शन कराया, जिदे इन्हों साडे ग्रुप में थंपिंग मेजोरिटी के नाल सानू जित प्राप्त हुई है। ये उस महामारी की भोले शंकर की बाबा नानक की सब की कृपा जिहड़ा अज असी इत्थे तक पहुँचे हैं। तो साडा भी यह संकल्प है समुची टीम का भी कोई भी जिहड़ा असी फैसला करांगे वो सारी टीम के नाल सारी एग्जैक्टिव दे विच मान्यता दे के सारे दे सहमति दे नाल जिहड़ा फैसला किया जाऊगा उन्हें लागू किया जाऊगा। तो मंदिर दे विच जिहड़ी आम सानू असी लोगों के जदों घरां च गए हां सानू थोड़ा बहुत लोगों ने जिहड़ी शिकायत की कि ये जिहड़ा मंदिर दे विच जदों तुसी सी असी अज तो मैं पिछले 2005-06 की गल करदा 15-16 साल पहलां दी उस वक्त जिहड़ा असी अपना दुख दे फंक्शन दा जिहड़ा चार्ज हाल दे लैंदे सीगे उहदे विच असी अपना 2000 रुपया असी लेंदे सी सर्दियों का ते 3000 रुपया गर्मियों का ताकि उहदे च जनरेटर चलता सी। ते अज दी टाइम च उत्थे 18-20 हज़ार रुपया रेट रख्या जिहड़ा कि आम जिहड़ा मीडियोकर फैमिली का बंदा वह अफोर्ड नहीं कर सकता। वह कहिंदे इहनूं मंदिर नूं मंदिर रहना चाहिए, चैरिटेबल रहे ना कि इहनूं कमर्शियलाइज करके, कोई पैलेस नहीं है, एक मंदिर है। तो वह प्रायोरिटी ते दे के पहले कमेटी का सब तो पहला फैसला यह होया कि वह असी घटा के लोगों को राहत देनी है ते नाल क्योंकि मंदिर को बहुत फंड परमात्मा की देना होर भी बहुत आवगे जदों काम चलेंगे तो माता की कृपा के नाल असी अज इतों संकल्प लग जाने हैं कि समुची टीम एक दूजे के सहयोग के नाल ये काम करेगी तो सारे मैंबरों नू अपना खास करके अज के दिन ते मैं दैनिक सवेरा के मुख संपादक श्री शीतल विज नू उन्हां नू बहुत बहुत मुबारकबाद दिना कि जिन्होंने साडे नाल पूरा मोढे नाल मोढा ला के जे असी नहीं भी सी अपना उत्थे मंदिर की सेवादार तां वी साडे कोई मंदिर का फंक्शन होंदा चाहे जन्माष्टमी होए जां रामनवमी होए जां कोई शिवरात्रि होए पूरी टीम भेज के साडी उत्थे कवरेज करदे सी ते इन्ना इन्हां ने सानू हमेशा गाए बगाए अज अपना सहयोग दिता ते अज भी सानू पूरा सहयोग दे रहे इस टीम नू ते मैं बहुत शीतल विज जी दा ते उन्हां दे सारे स्टाफ दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा इन्हां शब्दां नाल। जय हिंद जय माता दी, धन्यवाद। जालंधर के थाना डिवीज़न नंबर 3 की पुलिस ने बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों के मशहूर गायक मास्टर सलीम के जीजा रमेश्वर कॉलोनी निवासी अमनदीप सिंह उर्फ मोनू, उसके दो साथियों जोन कुमार उर्फ जानी निवासी मॉडल हाउस और राजेश कुमार उर्फ देसी निवासी माता रानी चौक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 4 साइकिल, 2 एलसीडी और अन्य सामान बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना इंचार्ज गगनदीप सिंह सेखों ने बताया कि गत दिनों रेलवे रोड पर स्थित चमन लाल एंड सन्स नामक साइकिल शोरूम के मालिक सुशील सहगल ने शिकायत दी थी कि अज्ञात लोग उनकी दुकान से कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड दौरान आरोपियों से 3 मोटरसाइकिल, 4 साइकिल, चप्पलों की 35 पेटियां, 2 एलईडी, 1 साइकिल का पहिया और शटर उखाड़ने के लिए रखा गया एक सब्बल भी बरामद किया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जोन कुमार के खिलाफ 3 और राजेश कुमार के खिलाफ 4 केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आरोपी अमनदीप का भाई अरुण भी चोरी की वारदातों में शामिल था, लेकिन वह फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। गौरतलब रहे कि पंजाबी गायक मास्टर सलीम के चाचा की बेटी का विवाह अमनदीप सिंह के साथ हुआ था। अमनदीप सिंह लंबे समय से चोरी और लूटपाट की वारदातों में शामिल था और उसके खिलाफ पहले भी जालंधर और लुधियाना में चोरी और लूटपाट के केस दर्ज है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग सीपी साहब जी के दिशा निर्देशों अनुसार आज थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने जिहड़ा है चोरी दी वारदातें करने वाले 3 व्यक्तियों को जिहड़ा गिरफ्तार किया है। यह जिहड़ा मैटर सीगा सानू विवेक सैगल नाम के व्यक्ति ने 7 तरीक नूं साडे ध्यान च लिआंदा कि 4-5 दी दरमियानी रात में जिहड़े आ साडे दुकान तो जिहड़ा कुंदन लाल एंड चमन लाल सन्स आ दुकान उत्तों जिहड़े आ 4-5 जिहड़े मोटरसाइकिल जिहड़े आ चोरी हो गए, जिहड़ा फिर असीं उहदी लै के जिहड़े बयान ते मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा नंबर जिहड़ा सीगा 48 उहदी जिहड़ी तफ्तीश आरंभ की दौरान तफ्तीश जिहड़े असीं जिहड़ा आ 3 नौजवान जिहड़े गिरफ्तार किए। सर कित्थे दे रहण वाले आ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਏਲੀਅਸ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਉਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਅਮਨਦੀਪ ਏਲੀਅਸ ਸੋਨੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ 457-380 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਈਕਲ, 3 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਐਲਈਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੱਬਲ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲ? ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सर्व हितकारी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शिक्षा महाकुंभ का आयोजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करवाया जा रहा है। ये शिक्षा पर आधारित समागम 9 जून से 11 जून तक जारी रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए, जिनका स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। इस शिक्षा महाकुंभ का शुभारंभ अनुराग ठाकुर द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह महाकुंभ नया इतिहास बनाएगा और शिक्षा प्रणाली को नई दिशा भी देगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य गुरुकुल प्रणाली को आज की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विद्यार्थियों को शिक्षित करना, भारतीय संस्कृति से अवगत करवाना और बेरोजगारी को खत्म करना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, इंस्टीट्यूट के अध्यापक व विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ग के लोग मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। विद्या भारती एवं एनआईटी जालंधर के द्वारा करवाए गए इस शानदार कार्यक्रम रेज 2023 जो नई शिक्षा नीति को जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन बनाने की ओर है,
जागरूकता करने की भी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल तरीके से लागू करने की दिशा में भी है। किस तरह से हम भविष्य में ना केवल शिक्षा बल्कि संस्कार स्किल्स के साथ साथ एक ऑलराउंडर के रूप में अपने युवाओं को तैयार कर सकें ताकि वो किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर सकें, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका हो सके और 34 वर्षों के बाद भारत को नई शिक्षा नीति मिली है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत बड़ा योगदान मोदी सरकार का भारत के प्रति है और हर तरफ से लगभग हर वर्ग ने इसकी सराहना की है क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा लोगों के सुझाव लेने के बाद इस पर सहमति बनी और आज पूरे देश के हर राज्य में इसको बहुत तेजी के साथ लागू किया जा रहा है। अगर आप नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ना केवल शिक्षा यानी कि साइंस मैथमेटिक्स या लैंग्वेज वहीं तक सीमित नहीं किया है, उसको बेसिक आर्ट्स क्राफ्ट स्पोर्ट्स फिटनेस इन सब चीज़ों के साथ भी जोड़ा है ताकि हम केवल किताबी कीड़ों तक सीमित ना हो। आपके उसको स्किल्स, जब मैंने आपको कहा कि ऑलराउंडर तो उसके स्किल्स जब आती हैं तो हुनर देने की बात है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें आती है। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा पुलिस ने ऐसे युवकों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गैंगस्टरों के जाली पासपोर्ट बनाकर और जाली डॉक्यूमेंट बनाकर विदेश में भेजते थे। पुलिस ने कुल 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। संबंधी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर अमोलक दीप ने बताया कि उक्त युवकों को पंजाब हरियाणा झारखंड और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और अभी भी कई ऐसे युवक हैं जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवकों से 22 लाख रुपए, 2 जाली पासपोर्ट और पिस्तौल बरामद की गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानजो कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर अमृतसर, ADCP सिटी 3 श्री मनीव राणा जी, ACP डिटेक्टिव श्री गुरिंदर नागरा जी, इन्हां दे दिशा निर्देशों हेठ एक सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, इंटरस्टेट गैंग, कि जो पंजाब दे विच जिन्हां क्रिमिनल अंसरां ते मुकदमे दर्ज हुंदे ने उह दूसरी स्टेट विच जा के उत्थों दे एड्रैस ते पासपोर्ट बना के विदेश चले जांदे ने ते विदेश विच जा के उत्थों ही अपना जो ड्रग दा ते बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी आ उह अपना गैंग जो पंजाब च रहिंदे नौजवानां राहीं ओपरेट करदे आ। इस लड़ी विच 233/21 FIR अंडर सैक्शन NDPS एक्ट जो PS मकबूलपुरा विखे दर्ज सी, इहदे विच दोषी हरभेज सिंह उर्फ जावेद सन ऑफ धर्म सिंह वासी लुहारका PS कंबो, ये वक् वक् मुकदमिया विच दोषी सी और ये जेल विचों आउण तो बाहर आ के ये हरियाणे दे विच उत्थों सावन नां दे जो डिस्ट्रिक्ट कैथल दे विच पिंड आ पबनावा उत्थों ये फेक उस एड्रैस ते फेक पासपोर्ट बना के विदेश चला गया सी और उन्हों असी लगातार ही इस केस में परसुए करते हुए इस केस दे विच हुण तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पंजाब पुलिस सिखलाई केंद्र लड्डा कोठी संगरूर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके 217 जेल वार्डन हुए पास आउट। अमृतसर के लोहरका रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 नौजवानों ने एक सैलून मालिक पर चलाई गोलियां, सैलून मालिक ने भागकर बचाई जान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।